हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा न्यू ब्लॉग है। तो आज हम लोग बाग में जो है पार्टी कर रहे हैं। तो अभी हम बना रहे हैं सगौड़ा। तो अभी सब हमने प्याज डाल दी है और तेल डाल दिया है। अभी ये मैं खड़ा मसाला डाल रहा हूँ। खड़ा मसाला डालने के बाद मैं इसको अच्छे से जो है पका दूँगा, डुला दूँगा और ये जो है अच्छे से पक जाए ताकि जो है ये लाल हो जाए एकदम। देख सकते हैं कि प्याज एकदम लाल हो गई है और अभी टमाटर भी डाल दिया है, वो भी एकदम लाल हो गया है और उसको कूट रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, जो पीसे हुए मसाले होते हैं, मैं उसको ऐड करूँगा। मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं और अभी इसको हम थोड़ा सा डुलाएंगे। उसके बाद इसमें मीट मसाला ऊपर से और डालेंगे। ये मैंने मीट मसाला भी डाल दिया है और अब इसको मैं अच्छे से पकाऊँगा। देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी का जो है ये पक रहा है। अभी मैं इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ, नमक ऐड करेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब ये जो है गाढ़ी हो गई है। अब इसमें जो है थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे ताकि ये रस्सी जो है इसकी बहुत ही गाढ़ी हो जाए। तो मैंने बेसन को ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो है रस्सी जो बनाई जाएगी वो बहुत ही गाढ़ी होगी और देख सकते हैं कि मेरी जो है जो जूस बनाया गया रस्सी ये एकदम गाढ़ी सी है। तो मैं इसको बाकायदे से पक जाने देंगे, उसके बाद इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। अभी मैं पकौड़े ऐड कर रहा हूँ और इसको पकौड़े को भी थोड़ा सा पक जाएगा ताकि ये अच्छे से ये जूस के साथ मिल सके। देख सकते हैं कि मेरा सगौड़ा जो है बनकर तैयार हो गया है, अभी खाने के लिए एकदम रेडी है।